No, 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 no. You're哎呦我的妈！这你别笑。नहाने के लिए ठीक 5 बजे गर्म पानी मिल जाना चाहिए, वरना क्या? वरना मैं ठंडे पानी से नहा के चला जाऊंगा। तुम मेरे रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। क्या बात करती हो, मैं अपनी सास से ज्यादा इज्जत तुम्हारी सास को देता हूँ। पापा, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होता है? पागल हो, क्या कर रहे हो ये? बेटा ये होता है। बच्चों, अगर दुनिया में लड़की ना हो तो क्या होगा? सर, कॉलेज वीरान, गलियां सुनसान, दुनिया परेशान, तनहा इंसान, न जानो न जान। बस हर तरफ जा हनुमान। वैसे आप में एक बात तो है, आप बिल्कुल 2000 के नोट के जैसे हो। हाँ, वो तो मैं हूँ ही, पर कैसे? ना तो चेंज करा सकते हैं और ना ही फेंक सकते हैं। पत्नी ने कहा, ये दाढ़ी वाढ़ी बनवा डालो यार तुम। तो पति ने कहा, क्यों? तो बोली, आज पड़ोसन बोल रही थी, बहनी ये तुम्हारे घर में जो बाबा आए हैं, ये कोरोना का तबीज अभी देते हैं का? अरे जानू, क्या हो गया तुमको? मुझे ना बुखार हो गया है। अब तेरी की चढ़ गया ना बुखार, लग गई नजर जमाने की। क्या जरूरत थी तुम्हें आज इतने दिनों बाद नहाने की? नो 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 नो। माय गॉड, नो 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 नो। अरे देखना देखना देखना, तेरे रिश्तेदार टीवी में। अरे ससुर जी, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के बाद इतना मूर्ख क्यों बनाया? हम दोनों को मिलाने के लिए। वो कैसे? देखो, मैं सुंदर थी इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए। ठीक है। और मैं मूर्ख थी इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई। रात में बिस्तर पे पति पत्नी में लड़ाई हो गया। पत्नी ने कहा, उतर जाओ, मेरे बाप का दिया हुआ बेड है। लड़का जमीन पे खड़ा हो गया, बोला, ठीक है, तेरे बाप का ही मेरे बाप का, बेड से नीचे उतर के दिखा रहा। पापा, आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी गलती की है जिसका पछतावा आपको आज तक हो रहा हो? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? कोई बात नहीं पापा, मैं समझ गया। आपके हाथ में फोन हो तो खाना खाने में 1 घंटा लगता है, और आपका फोन किसी दूसरे के हाथ में हो तो खाना खाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। आ!